मेरा बचपन बहुत ही मुश्किलों से गुजरा है क्योंकि मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ और हिमाचल प्रदेश के बहुत छोटे से गांव से हूँ जहाँ पे अगर मैं बात करूँ हमारा बचपन से ही स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है। हमारे लिए हर एक चीज़ स्टार्टिंग से ही बहुत टफ रहती है। हमारा स्कूलिंग भी हमारे घर से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर रहता है और बस का कोई साधन नहीं या किसी भी तरह का कोई ट्रांसपोर्ट का कोई सिस्टम नहीं। हम 4 भाई बहन और मेरे पापा एक होते कमाने वाले थे। मेरे पापा इंडियन आर्मी में सोल्जर थे और एक हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस टाइम पे मेरे पापा की पोस्टिंग कश्मीर के अंदर थी और दुर्भाग्य से मेरे पापा ने लैंड माइन के अंदर अपना पैर रख लिया ऑन ड्यूटी और जिसकी वजह से पापा की एक पूरी लेग चली गई। उस पूरे हादसे ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मुझे मेरे पापा से ही मिली है। एक टांग चले जाने के बाद मेरे पापा ने फिर भी मेहनत करना नहीं छोड़ा, पूरे दिल से काम किया है दोबारा इंडियन आर्मी के अंदर ही। मैं बचपन से ही सोच चुकी थी कि मुझे भी लाइफ में कुछ बड़ा करना है और अपने पापा को प्राउड फील कराना है ताकि जो लाइफ वो डिज़र्व करते हैं मैं उन्हें दे पाऊँ। मैं हिमाचल के एक छोटे से गांव घरबेड़ से बिलोंग करती हूँ और जहाँ अगर मैं बात करूँ लड़कियों की तो उनकी शादी 18 साल की उम्र के बाद हो जाती है। वहाँ लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता और लड़कियों को पढ़ाना लिखाना ज़्यादा अच्छा भी नहीं माना जाता। इसीलिए मेरे पेरेंट्स ने डिसीज़न लिया कि मैं हायर स्टडीज़ के लिए मैं आउट ऑफ स्टेट जाऊंगी। चंडीगढ़ में मैंने अपना स्टडी करना शुरू किया। मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की ताकि मैं एक सिक्योर जॉब ले पाऊं और अपनी लाइफ अच्छे से सर्वाइव कर पाऊं। मैं इसे अपना भाग्य मानूं या दुर्भाग्य मानूं, मैं अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाई। मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो गई थी और आफ्टर दैट मैंने जॉब करना शुरू किया। मैं इस 9 to 5 के सर्कल से निकलना चाहती थी और अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती थी। उसी दौरान सडनली मुझे मेरा एक फ्रेंड मिला और उसने मुझे एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया और उस अपॉर्चुनिटी को देख के मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुई कि आखिर ये चीज़ है क्या। और उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं एक बार इसको ट्राई करूं और आगे अपना फ्यूचर यहाँ से थोड़ा बहुत सिक्योर करूं। और फॉरएवर के प्रोडक्ट से मुझे इतने चमत्कारी रिज़ल्ट मिले कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि 3 से 4 दिन में मैंने ऐसे रिजल्ट्स देखे जो मैं पिछले कई सालों से यूज़ करने के बाद भी नहीं देख पाई थी। और ये देखने के बाद मैंने डिसीज़न लिया कि अगर प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो सोच के देखो अपॉर्चुनिटी कितनी पावरफुल होगी। मैंने लर्निंग करना शुरू किया और हर एक वो स्किल सीखी जो मेरे बिजनेस के लिए रिक्वायर्ड थी। हर एक कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर मैंने काम किया और ऑफलाइन पे अपना बिजनेस डेवलप करना शुरू किया। और कई बार मैं 12-12 घंटे भी ट्रेवल करी हूँ बस में और भी नाइट में। तो मुझे बहुत डर लगता था, मेरे लिए बहुत स्केरी था वो टाइम। तो उस टाइम पे मैं उत्तराखंड में थी और सडनली पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लग गया था और वो टाइम सबके लिए बहुत ज़्यादा टफ था और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था क्योंकि मैं अपने घर से बहुत दूर किसी अदर स्टेट में अपना बिजनेस डेवलप करने आई थी और वहाँ पे मैं पूरी तरह से फंस चुकी थी। जैसे जैसे अरेंजमेंट करके मुझे घर वापस लेकर आए और घर वापस आने के बाद अगर मैं बात करूँ तो टीम पूरी तरह से मेरी टूट चुकी थी और मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था कि मेरे साथ वो क्या रहा है, मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि ऑफलाइन में काम उस टाइम पे होता था। उसी टाइम पे मैंने डिजिटली काम करना शुरू किया और मैंने ऑनलाइन अपना टीम बिल्ड करना शुरू किया और धीरे धीरे मैं बहुत सारे लोगों के साथ कनेक्ट होने लगी। ऑल ओवर इंडिया के अलग अलग स्टेट से लोग मेरे साथ कनेक्ट होने लगे। मैंने अपना सबसे बड़ा ड्रीम अचीव किया, फॉरएवर टू ड्राइव क्वालिफाई किया और अपने पापा को एक लग्जूरियस कार गिफ्ट किया। एक टाइम था लोग मेरे पापा का मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो पी टायर स्कूटर चलाते थे। आज वही टाइम है कि लोग कुछ बोल नहीं पाते। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी के थ्रू मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हूँ
और जो लाइफस्टाइल मैं इमेजिन करती थी कभी कि मैं एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगी, वो लाइफस्टाइल मैं मेंटेन कर पा रही हूँ इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू, जैसे लग्जरी होटल्स में घूमना। फिटनेस का मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है और फिटनेस के ऊपर भी मैं बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करती हूँ। और आज मैं जब भी गांव जाती हूँ तो मैं बहुत सारी लड़कियों को इंस्पायर कर पाती हूँ, क्योंकि हमारे एरिया में लड़कियाँ हमेशा से जब पैदा होती है तो अपने हर छोटे खर्चे के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहती है, और जब शादी हो जाती है तो अपने हस्बैंड पे डिपेंड है, अगर हस्बैंड नहीं है तो अपने बच्चे पे डिपेंड रहती हैं। तो मेरा एक ही मोटिव है कि चाहे हमारे गाँव से हो या किसी भी गाँव से, सभी लड़कियाँ इंडिपेंडेंट बने और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें। इवन मेरी अपने खुद के सिस्टर मेरे साथ काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छा लगता है कि इस अपॉर्चुनिटी के अंदर हम एज अ फैमिली वर्क कर रहे हैं। मैं लड़कियों को इंडिपेंडेंट बनाने में विश्वास रखती हूँ। मैं हूँ फॉरएवर।